मैं आभारी हूँ डॉक्टर अनिर्बन गंगोली जी का, जो इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, जो हमें याद करते रहते हैं और खुद ही अपने ही एफर्ट से वहाँ चीफ गेस्ट या हमारे लिए मार्गदर्शन तय करके हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आप जम्मू में कार्यक्रम करेंगे, तो हम उनके बड़े बड़े आभारी हैं कि इस वर्ष भी, जैसे उन्होंने खुद कहा कि दो बार दूसरा मौका मिला मुझे जम्मू कश्मीर में आने का, कि उनके थ्रू माननीय अनुज देश पांडे जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मैं इतना ही कहूँगा कि जो यहाँ जो सभी प्रोफेसर्स या हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर संघ परिवार से या प्रामिनेंट सिटीजन्स बैठे हैं, हम सब ने किसी न किसी जनरेशन ने जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष किया हुआ है। और जो लेटेस्ट संघर्ष था वो 2008 का था, जब श्री अमरनाथ लैंड भूमि का संघर्ष हुआ था, उसमें जनरेशन पूरी इन्वॉल्व थी। पर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो 47 से ही अभी कई रिफ्यूजी लीडर्स भी यहाँ बैठे हैं। 22 अक्टूबर 1947 को मुझे पता, अभी इन्होंने यहाँ उसको ब्लैक दिवस मनाया था, कि पाकिस्तान की राष्ट्रवादी लोगों ने पाकिस्तान की सेना को कैसे रोका था कि जम्मू वो कश्मीर तक ना पहुँच पाए। 3 दिन तक वो संघर्ष करते रहे और कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। इसी तरह चाहे 52 में जम्मू के साइंस कॉलेज में जब उन्होंने स्टेट फ्लैग होस्ट करने की कोशिश की तो वहाँ के विद्यार्थियों ने संघर्ष किया, चाहे जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद की मूवमेंट चली, उसके बाद 90s में जैसे आया कि कश्मीर से माइग्रेशन हुई तब लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद डोडा बचाओ आंदोलन में लोगों ने संघर्ष किया, फिर 2008 में और अल्टीमेटली जम्मू की राष्ट्रवादी जो हम सब लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जो सेंटर में राष्ट्रवादी विचारधारा को एक मजॉरिटी में लाया और जो उनका प्रण था कि हमारे सामने राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, जब ये सरकार बनी 70 दिन के अंदर अंदर उन्हें जम्मू कश्मीर में ये जो हमें ऐसे कानून जो सेपरेटिज्म की तरफ ले जाते थे, जो टेररिज्म की तरफ ले जाते थे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, जब सब लोग जिन्होंने 53 में 17 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जब 13 लोगों ने जो अमरनाथ लैंड रूम में अपना शहादत दी, जब बाकी स्वयंसेवकों ने डोडा में श्रीनगर में अपनी शहादत दी, जब कई हमारे सैनिक जो हमारे वेल्ड फोर्सेस के लोग जो टेररिज्म से लड़के जिन्होंने, उनको एक श्रद्धांजलि थी। और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब बड़ी मात्रा में यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। हमारे बीच में हमारे प्रांत के माननीय संचालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी, हमारे सह संचालक डॉक्टर गौतम मेहंगी जी, हमारे जम्मू कश्मीर से ही और राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख रमेश पप्पा जी, बाकी बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, बीजेपी के सीनियर लीडर्स संघ परिवार से, हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी और स्क्वाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, हमारे यहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स बैठे हुए हैं, बाबा स्वामजीत सिंह जी जो स्पेशल कहते हैं कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया करो, बाकी एडवोकेट्स और समाज के अन्य संगठनों के जो प्रमुख, जो हमारे जम्मू का नेतृत्व है वो यहाँ आया। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन की तरफ से उनका शुक्रिया करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।